हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जय स्टाइल में। दोस्तों, बहुत दिन के बाद हम आपके सामने आए हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट लेके आए हैं कि काफ़ी रिक्वेस्ट थी बहुत से लोगों की, भाइयों की, कि जो है सर तार वाली पतंग कैसे उड़ाते हैं, कैसे लटकाते हैं। तो हमने ये वीडियो ज़रूर बनाई है, लेकिन इसकी बहुत सारी सावधानी है। अगर आप तार से पतंग उड़ाइए तो सबसे पहले जहाँ पे करंट का तार होता है वहाँ पतंग बिल्कुल से नहीं उड़ाइए, कोशिश करिए कि ना उड़ाएं। कैसे बनता है, क्या तरीका है, वो हमने ज़रूर सिखाया, लेकिन आप लोगों को सावधानी आप लोगों को बरतनी है, क्योंकि तार पे जाके ये शार्ट हो जाता है और हम लोगों के यहाँ जो है लाइट वगैरह चली जाती है, तो इसकी सावधानी ज़रूरी है। और भी तो सावधानी है कि जैसे मान लीजिए अगर पतंग लड़ रही है, अब बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल का नागा करके वो पतंग उड़ाना, तो ये भी एक हिसाब से गलत है। और आप जो है इन सब चीज़ों की सावधानी बरतिए कि पतंग भी उड़ाइए, लेकिन स्कूल से आने के बाद जब टाइम रहे, अगर आप काम करते हैं तो आप काम को छोड़ के पतंग नहीं उड़ाइए। सबसे पहले काम है, फिर उसके बाद में अगर टाइम मिलता है तो आप पतंग उड़ाइए, ठीक है। और तार वाली जहाँ तक पतंग हमने बताया कि तार से अगर आप पतंग उड़ाते भी हैं तो कोशिश करिए कि जब आप अगर तार वाली पतंग उड़ाते हैं छुट्टी में, संडे के दिन अक्सर छुट्टी होती है हम लोगों की सभी की, तो जो लोग पतंग लड़ाते रहते हैं, जो बदी वगैरह लड़ाते हैं, यानी आपने देखा होगा 4,000-5,000 पतंग उड़ी रहती है, तो वो बदी लड़ाते हैं यानी तय करके लड़ाते हैं, तो उनसे हटा के पतंग रखिए, उनके ऊपर झोंकिए नहीं। और जो छोटे छोटे लड़के होते हैं, जिद्दी टाइप के होते हैं, यानी जिद में वो बीच में ज़बरदस्ती जो है पतंग उड़ा के बीच में ताने रहते हैं, उनसे भी निवेदन है कि अगर उनके पेरेंट्स साथ में रहते तो उनको भी समझाएं कि अगर कोई पतंग उड़ा रहे तो उसको ज़बरदस्ती नहीं काटो, बीच में पतंग उड़ा के नहीं तानो, चूँकि उनको डिस्टर्ब होता है। वो लोगों की पतंग बहुत महंगी होती है, इस वजह से इन सब की भी सावधानी रखें, ठीक है। तार से उड़ाए हुए हैं, कोई पतंग अगर उड़ाए वो उसमें झोंक जाती है, उनकी जो है तय होकर पतंग लड़ती है, तो इसमें नुकसान उनका होता है, इसी में लड़ाई झगड़ा भी होता है, तो इन सब चीज़ों की सावधानी आपको रखनी है। हमारा मकसद था कैसे बनता है, क्या है, ये चीज़ सिखाना, और ना कि इसको आप सीख के बीच में डिस्टर्ब करें। इन सब चीज़ों का भी आपको सावधानी बरतनी है, तभी आप तार से उड़ाइए, बस हमारा यही मकसद है। और फजूल यानी फजूल टाइम जब आपके पास हो, यानी आप खाली टाइम यानी हो, तभी आप पतंगबाजी वगैरह करिए। ऐसे फालतू टाइमों में पढ़ाई लिखाई करिए, अच्छे घर में आप बैठिए, घर में आराम से, यानी ज़बरदस्ती नहीं कि आप धूप में चढ़िए, धूप हो तो बिल्कुल ना जाए, क्योंकि चेहरा भी काला हो जाता है। तो हर चीज़ों की सावधानी आपको बरतनी है, और उसके बाद में फिर आप जाके स्वस्थ भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे, और अपने माँ बाप को भी खुश रखेंगे। और माँ बाप अगर जो चीज़ को कहें उसको हमेशा सुनना चाहिए, माँ बाप अगर मना करते हैं पतंग नहीं उड़ा तो बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि अपनी इंजॉय के लिए आप जो उड़ाते हो, लेकिन माँ बाप जो है हमसे और आपसे ज़्यादा अच्छा समझते हैं, जो वो कहें पहले वो कर उसके बाद आप कर सकते हो, इसमें फिर कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ये एक मैसेज था, और अगली जो इसके आगे आपको आइए दिखाते हैं कैसे हमने तार बनाया, कैसे पतंग, कैसे ब्रेक क्या है, इसको आप सीख लीजिए, और जब भी आपको अगर मौका मिलेगा तो उड़ाइएगा, अगर मौका नहीं मिलता तो सीख लेना चाहिए, सीखने में कोई दिक्कत नहीं होती है, उड़ाना ना उड़ाना वो आपके पास है, कि एक चीज़ अगर कैसे बनती है वो सबको मालूम रहना चाहिए। तो देखते रहिए, आइए देखते हैं वीडियो।